नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर में भाजपा नेता ने गाड़ी कुचलकर जिस शख्स की हत्या की है उसको लेकर अब बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और इतना बवाल हो रहा है जिस पर सियासत गर्म होने के संकेत भी मिल रही है। रंजिश में मारपीट कर ऊपर कार चलाई गई थी, बीजेपी नेता की होटल का अतिक्रमण भी तोड़ा गया, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया गया है, लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है ये कार्रवाई नामात के लिए की गई है, दिखावे के लिए की गई है। जी हाँ, सागर के मकरोनिया में युवक की हत्या के बाद अब हंगामा लगातार जारी है। हमने आपको पहले भी खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण होटल का, लेकिन लोगों ने बताया है कि खाना पूर्ति की गई है, पूरे तरीके से कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं की गई है, पुलिस के द्वारा मामले को दबाया जा रहा है ये आरोप लगा रहे हैं परिजन। परिवार वालों ने बॉडी सड़क पर रखकर चक्का जाम किया था। मृतक के परिवार वालों ने भाजपा नेता और उसके परिवार वालों पर चुनावी रंजिश में हत्या करने का आरोप लगा गया है और इसी को लेकर जो है पूरे दिन हंगामा चलता रहा है। मकरोनिया चौराहे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही और पूरे तरीके से दुकानें भी बंद करवाई गई थी और माहौल अफरा तफरी का बना रहा। हम आपको बता दें इस पूरे मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि ये भाजपा नेता का भाई है जिसे गिरफ्तार किया गया है, बाकी जो मुख्य आरोपी है अभी तक फरार है और जानकारी ये लगी पुलिस तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ा सवाल है और लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि पुलिस की नाक के नीचे, मतलब पुलिस के थाना की दूरी ज़्यादा नहीं है मकरोनिया चौराहे से, लेकिन यहाँ से अगर आरोपी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो गया कानून व्यवस्था पुलिस पर भी कि कैसे आखिर इतने आरोपी इतने जल्दी फरार हो गए, उनको पकड़ा नहीं जा सका अभी तक। पुलिस के ऊपर दबाव बनाने का पूरा प्रयास लोगों द्वारा किया जा रहा है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन हम आपको बता दें मृतक के परिजन मानने को तैयार नहीं है और निश्चित तौर पर आंदोलन करने के लिए विवश है। सुनिए जरा क्या कहना है मृतक के परिजनों का इस पूरे मामले में और इस पूरे मामले की लीपापोती करने का प्रयास जिस तरीके से पुलिस कर रही है वो शर्मनाक है। देखिए इस पूरे घटनाक्रम के विजुअल सब आपको दिखा रहे हैं और मृतक के परिजनों और एडिशनल एसपी ने क्या कहा है वह भी सुनिए। सबसे पहली मांग ये है कि जितने भी FIR बनाना है उनको अरेस्ट किया जाए और ये पूरी बिल्डिंग गुंडा एक्ट के तहत गिराई जाए। हम लोग जब ही चौराहे से हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पूरे अपराधी फरार होगा जिसका FIR में नाम है, पुलिस प्रशासन देखती रही रात भर। अभी
दो से तीन बजे एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। बीच चौराहे पे उन्होंने मारा, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, पुलिस की गाड़ी यहाँ से चली गई। नहीं बिल्डिंग गिराई, हम लोग तभी बिल्डिंग गिराई, बिल्डिंग गिराई, बिल्डिंग गिराई, बिल्डिंग गिराई, बिल्डिंग गिराई। रात्रि में एक हत्या की घटना घटित हुई है, इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध करके उसमें एक आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया गया है, अन्य आरोपियों की तलाश चल रही है और अभी वर्तमान में इसमें जांच जारी है। तो उनकी मांग है कि उनका अवैध निर्माण तोड़ा जाए, इसका परीक्षण किया जा रहा है, इस पर कार्रवाई भी आपके सामने हुई है। मांग है कि पहले ये अतिक्रमण हटाए, वो तोड़ा जाए, फिर ये हटाएंगे, ये कार्रवाई भी चल रही है। ये 8 लोगों पर मामला दर्ज किया, गाड़ी से टक्कर मार के अपराध किया गया है ऐसा।